हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज लेक्चर नंबर टू ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस का लेक्चर वन जिन्होंने देख लिया है वी आर डूइंग इट फ्रॉम एन सी आर टी जो एन सी आर टी है प्लस वन की एन सी आर टी अभी हम कर रहे हैं एम सी क्यू फॉर्म में करेंगे एम सी क्यू और फिर सोल्यूशन तो बेसिकली स्ट्रिक्टी एन सी आर टी यहाँ पर फॉलो होगी नथिंग फ्रॉम आउटसाइड एन सी आर टी विल बी देयर और पर लेक्चर सारे आप देख लेना जैसे जैसे लेक्चर आता जाए पांच पांच छह छह क्वेश्चन कवर करूंगा हर लेक्चर के अंदर बट साथ के साथ देखते रहने ठीक है थीके? ताकि वो आपका जब तक पेपर आएगा तब तक आपका कंप्यूटर साइंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा पांच क्वेश्चन यानी कि टू पॉइंट फाइव इंटू फाइव आप कर लो कितना हो गया टू पॉइंट फाइव फाइव आप इजीली जानते आपके पेपर के आपके हो साढ़े बारह ही आने दो हजार पंद्रह में आठ क्वेश्चन आए थे एंड बिफोर प्रोसीडिंग मिल जाएंगी यूट्यूब की उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो अच्छा पीडीएफ फाइल्स के लिए ना बच्चों को कंफ्यूजन रहती है उनको कोई मेल आएगी पीडीएफ की ठीक है या व्हाट्सएप होगा ऐसा कुछ नहीं है वो वेबसाइट के ऊपर से ही जहां से आप जब आप लॉग इन करके सब्सक्रिप्शन लेते हो वहीं पर फिर आप माई कोर्सेज में जा करके डाउनलोड कर सकते हो खुद से एंड अगर आपके पास एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स है तो आपको पीडीएफ फाइल्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है इट विल भी इंक्लूडेड इन टू इट इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी और गैप के एमसीक्यूज हैं जो आपके पेपर के थर्टी फाइव मार्क्स आपको दिलाएंगे ठीक है बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे एंड फिफ्टी परसेंट कोड यूज करेंगे आप यूपीएससी ईपीएफओ लगा करके ऑलराइट सो लेट अस क्विकली प्रोसीड नाउ पहला क्वेश्चन देखो विच अमंग द फॉलोइंग आर बाइनरी बाइनरी डिजिट्स डिजिट्स जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो बेसिकली कौन से होते हैं ईजी क्वेश्चन है लेकिन पता क्या होता है ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और जिसने थोड़ा बहुत कंप्यूटर को पढ़ा हुआ है यूज तो देखो हम सारे ही कर रहे हैं है ना पर जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो ईजिली आंसर भी कर देगा बट हर किसी को नहीं पता होते जीरो वन टू बोथ ए एंड बी तो बाइनरी डिजिट्स होते हैं बेटा आपके जीरो और वन तो आंसर यहां पर होना है आपका ऑप्शन डी अब देखो मेमरी यूनिट्स ऑफ मेमरी होती है देखो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है ना जो मेमोरी मेमरी होती है जैसे हम बाइट बिट्स के भी ऐसे बोलते हैं ना तो कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी नंबर को यूज करता है जो भी डेटा को स्टोर करना है या प्रोसेस करना है और बाइनरी नंबर होते हैं आपके जीरो और वन इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं या जो आपके बिट्स होते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है एक तरीके से कंप्यूटर का बिट्स बाइट्स के भी ऐसे आता है ना तो बिट्स आपका यूनिट ऑफ मेमोरी है और बाइनरी डिजिट्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो और वन में ठीक है अब समटाइम्स क्या होता है कि आप ग्रुपिंग कर देते हो वर्ड्स फॉर्म करने के लिए जैसे आपने चार बिट को कर दिया इकट्ठा तो उसको हम क्या बोलते हैं निबल फोर बिट इज कॉल्ड एज निबल अब ये भी आप याद रखेंगे वॉट इज निबल फोर बिट इज इक्वल टू निबल ओके okay, अब इसके अंदर एग्जाम्पल ऑफ निबल क्या हो गया वन जीरो जीरो वन जीरो 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 सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है बस एक एग्जाम्पल है ठीक है वैसे ही अगर आप टू निबल्स को ज्वाइन कर देते हो तो टू निबल्स क्या हो गया एक निबल चार बिट है यानी कि दो निबल आठ बिट हो गया तो आठ बिट इस तरीके से हो जाएगा ठीक है और जब ये आठ बिट हो जाते हैं यानी कि दो निबल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं बाइट ठीक है बाइट और वो सब तो आपने सुना भी होगा बाइट के बी एम बी जब जब भी हम स्पेस वगैरह की बात करते हैं यही टर्म यूज करते हैं तो स्मॉलेस्ट डिजिट है बिट बिट ठीक है बिट बिट के के अंदर अंदर दो बाइनरी डिजिट होते हैं जीरो और वन फिर आ जाता है है आपका निबल निबल के अंदर चार हो गए ठीक यानी कि चार डिजिट हो गए और वो वन जीरो वन जीरो काम्बिनेशन होगा बेसिकली जीरो और वन का ही कॉम्बिनेशन होगा हो वैसे ही जब आठ बिट हो जाते हैं उसको हम बोल देते हैं बाइट आठ बिट में दो निबल हो गए या आठ बिट हो गए ठीक है तो ये होते हैं आपके यूनिट ऑफ मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी अब देखो जनरली हमको जीबी uh, तक तो पता होता है ठीक है जीबी तक तो अपने को पता होता है कि यार पहले बिट आता है फिर बाइट आता है फिर केबी आता है फिर एमबी आता है फिर जीबी आता है पर यहां पर थोड़ा सा बड़ा स्पेस गिवन है तो जनरली जीबी तक तो क्योंकि हम बात करते हैं है ना, बट यहां पर आपके पास है पेटा है, है, जेटा है, है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? इस का ना पूछ भी चुका है, वो में अगर आप देखोगे ध्यान से तो Just a second. है ना, तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सब तो याद रखना है, देखो, ये सा चार्ट है इसको याद रखना एक के बी में वन जीरो टू फोर बाइट्स होते हैं बेटा फिर एक एम बी में वन जीरो टू फोर किलो बाइट्स होते हैं एक जी बी में वन जीरो टू फोर मेगा बाइट्स होते हैं या एम बी जिसको आप बोलते हो फिर वन टी बी में वन ज़ीरो टू फोर जी बी हो जाएंगे टेरा बाइट में पेटा बाइट में वन जीरो टू फोर टी बी हो जाएंगे एक्ज़ा बाइट में वन जीरो टू फोर पी बी हो जाएंगे जेटा बाइट में वन ज़ीरो टू फोर ई बी हो जाएंगे और ये योटा बाइट में वन जीरो टू फोर जेड हो जाएंगे ठीक तो है तो अल्टीमेटली चलता तो सीक्वेंस में ही है के बी से एम बी एम बी से जी बी जी बी से टी बी टीबी से पीबी पी बी से ई बी ई बी से जेड बी जेड बी से वाई बी बस आपको सीक्वेंस याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेमरी ऑफ द कंप्यूटर इज इन करेक्ट मेमरी ऑफ द कंप्यूटर अच्छा जी सबसे पहले कहता है रैम जो आपकी रैंडम एक्सेसिबल मेमरी होती है रेडिली एक्सेबल मेमरीज होती है वो वॉलीटाइल है रैम को मेन मेमोरी भी बोलते हैं सी रोम रीड ओनली मेमोरी इज वॉलेटाइल अगेन ऑप्शन डी नन ऑफ इनमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है गलत कौन सा है रिलेटेड टू मेमरी तो यहां पर आपका आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी रोम रोम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होता है नॉन वॉलेटाइल होता है अभी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं तो देखो कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जो है वो एक तरीके से कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम होता है क्योंकि डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड है सेकेंडरी मेमोरी तो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती है और जो भी प्रोग्राम और डाटा लोड होना है ना प्रोसेसिंग से पहले वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होगा ठीक है और सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है प्राइमरी मेमरी के साथ ओके जो भी उसको काम करना है ना सीपीयू को जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए वो प्राइमरी मेमोरी के साथ डील करता है प्राइमरी मेमरी आपकी दो टाइप की होती है एक होती है रैम रेंडम एक्सेस मेमरी और एक होती है रीड ओनली मेमरी रोम ठीक है ये दो होती हैं रैम जो होती है ये होती है वॉलीटाइल का क्या मतलब है जैसे अब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तो जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई हो रही है यानी कि कंप्यूटर अपने आप से बंद नहीं हो रहा एक तो, तो आपने शट डाउन कर दिया था ना बिजली चली गई बंद हो गया तो जब तक तो पावर सप्लाई हो रही है तब तक तो रैम के अंदर जो डाटा है वो रहेगा जैसे ही आप पावर सप्लाई को टर्न ऑफ कर दोगे तो जो भी रैम के अंदर उस टाइम पर कंटेंट था वो वाइप आउट हो जाएगा ठीक है जब भी आप काम कर रहे होते हो सिस्टम के ऊपर तब जो रैम के अंदर जो डाटा है ना वो जैसी पावर बंद वैसे वो जो है वो उड़ जाएगा डिलीट हो जाएगा एंटिल एंड एंडलेस आपने उसको सेव किया है तो वॉलिटाइल होती है ठीक है ये रैम का काम ही ये होता है कि ये डाटा टेम्परि स्टोर करे ये कोई ऐसी नहीं होती कि आपको बहुत जीबी टेराबाइट में स्पेस होती है नहीं रैम तो बड़ी छोटी सी मेमोरी होती है और टेम्परेली डाटा को स्टोर करती है जब आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो, होते हो ठीक है जैसे अब जब आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया या कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया ठीक है तो उसमें जो भी प्रोग्राम या डाटा लोड होता है ना वो रैम के थ्रू ही प्रोसेसिंग होकर के लोग होता है और इसी वजह से रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं और ये फास्टर होती है आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस होती है ना जैसे हार्ड डिस्क वगैरह या पेन ड्राइव वगैरह उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है दूसरी होती है आपकी रोम जिसको आप रीड ओनली मेमोरी कहते हो ये नॉन वेलड है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने पावर बंद किया तो डाटा सारा साफ हो जाएगा ठीक है स्मॉल होती है पर इसकी जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है रैम की परमानेंट नहीं होती रैम में से तो डाटा अपने आप अप गायब होता रहेगा ठीक है।, है और फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले ये भी जैसे आप रोम का एग्जाम्पल आप ले लो जै, जैसे जो आपका स्टार्टअप प्रोग्राम होता है जब आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर को जो बूट लोडर होता है जो बूट करता है आपके कंप्यूटर को ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो बेसिकली रोम के अंदर ही स्टोर होता है है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच फास्टेस्ट इनमें से कौन सी फास्टेस्ट है रैम रोम कैश या हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट होती है अभी हमने देखा कि रैम और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरीज में आते हैं और हमने देखा फास्ट होती हैं बट जो फास्टेस्ट होती है वो आपकी कैश मेमोरी होती है ऑप्शन सी ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है तो कैश मेमोरी देखो जी रैम सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क से तो तेज है बट जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है ना वो रैम से भी फास्ट होता है ठीक है तो रैम क्योंकि प्रोसेसर फास्ट है और रैम स्लो है तो अल्टीमेटली सीपीयू तो बहुत स्लो हो जाएगा लेकिन सीपीयू चाहता है फटाफट ऑपरेशन परफॉर्म करना तो उसके लिए उसको एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी चाहिए और वो हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में तो जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है उसको बोला जाता है कैश मेमोरी ठीक है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है ना जो रैम और रोम है उस उन रैम और रोम में जो सबसे ज्यादा रैंडमली जिसको काफी ज्यादा यूज uh, किए जाने वाली जो फाइल्स होती है ना उसकी एक तरीके से कॉपी कैश मेमोरी अपने अंदर रख लेती है ताकि जब भी सीपीयू को उन फाइल्स की जरूरत हो सीपीयू तो फटाफट से कैश मेमोरी में को सबसे पहले एग्जामिन करेगा और अगर वहां पर वो फाइल होगी तो वो उसको उठा लेगा ताकि फटाफट से काम हो सके ठीक है तो ये कैश मेमोरी का काम होता है ये रैम और रोम से भी फास्ट होती है फिफ्थ और फाइनल क्वेश्चन इस लेक्चर का अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्सट ऑफ सेकेंडरी मेमरी

और इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता सीपीयू तो डायरेक्टली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी को करता है तो ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा तो सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी देखो प्राइमरी की लिमिटेड होती है पर सेकेंडरी की तो आप देखते हो ना हार्ड डिस्क आती है जीबी में आती है टेराबाइट में आती है ठीक है और इसी वजह से सेकेंडरी मेमोरी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका जो इतना सारा डाटा है वो आप स्टोर कर सकते हो वो आप प्राइमरी मेमरीज के अंदर स्टोर नहीं कर सकते नॉन वॉलीटाइल होती है लार्ज कैपेसिटी होती है बट स्पीड में स्लो होगी प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले और सस्ती भी होगी और सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता जो भी कंटेंट सेकेंडरी स्टोरेज में है और अगर सीपी उसको यूज करना चाहता है तो पहले आपको उसको मेन मेमरी के अंदर यानी कि प्राइमरी मेमरी के अंदर लेकर के आना पड़ेगा तभी सीपी को उसका एक्सेस मिलेगा सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं आप देखते हो डे टू डे लाइफ के अंदर मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी पेन ड्राइव वगैरह ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स में आते हैं ठीक है चलिए सो अगेन वी आर डन विद द फाइव क्वेश्चंस गाइस क्विकली एंड इसी तरीके से हम करते रहेंगे बस आपने लेक्चर्स को रेगुलरली जैसे जैसे अपलोड हो रहे हैं देखते रहना ठीक है एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप और मेल एंड कोर्स को जरूर एक्सप्लोर करो मॉक टेस्ट भी अपलोड हुए हैं दो वो फ्री हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है वो भी ट्राई करना हैं चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टेक केयर एंड बाय